मुझे अच्छी तरह याद है, वही कॉरिडोर, वही लॉबी। सब क्या कर रहे हैं सब, बताएं तो सही, मिलना किससे आप? ये 407 अपार्टमेंट, ये अपार्टमेंट किसका है? तारिक साहब का। कौन कौन तारिक साहब? जिनका ये अपार्टमेंट है वो, मेरा मतलब ये है कि ये अपार्टमेंट अभी लॉक क्यों है? दरअसल तारिक साहब ज्यादातर मुल्क से बाहर रहते हैं, सिर्फ छुट्टियों में आते हैं। कल मैं यहाँ पे आया था और ये अपार्टमेंट खुला था, कल कौन था यहाँ पे? क्या कह रहे हैं आप, कल यहाँ कोई नहीं था और ये अपार्टमेंट तो पिछले 6 माह से बंद है। वही अपार्टमेंट था, वही कॉरिडोर, वही लॉबी, परीजे भी थी, सोबिया भी थी या नहीं? लेकिन ये लड़की कौन है जिसे तो मैंने आज तक देखा तक नहीं? क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है इसके पीछे? क्या साजिश की गई है ये? इस मम्मी को मैं सुलझा क्यों नहीं पा रहा हूं? देखें देखें इसकी चालाकी, अपनी ही डिस्क्लेमर वीडियो अपने ही किसी दूसरे अकाउंट से डाल दी। प्लीज आप सब किसी भी चीज को शेयर करने से पहले तहकीक जरूर कर लिया कीजिए, सोचा करें। बकवास है सब, समझे किसी की भी करेक्टर असैसिनेशन में ना लग जाए करें। शायान, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? अम्मा सब मुमकिन तो है। डीपफेक के जरिए आवाज और चेहरे से क्राइम किया जा सकता है। मुमकिन तो है, लेकिन सुल्तान की ये एक्टिविटी ऐसी नहीं है। पर उसने इस वीडियो में लिखा है कि उसने साइबर क्राइम को केस किया है इस वीडियो के अगेंस्ट। वो सब झूठ बोल रहा है सिर्फ खुद को बचाने के लिए। तरदीद तो करनी थी। आखिर कौन अपना जुर्म कबूल करता है? झूठ बोलना तो ऐसे लोगों के लिए मुश्किल होता है ना, जिन्होंने कभी झूठ ना बोला। सुल्तान के लिए क्या मुश्किल बात है? शुक्र आप इस बार इसके स्कैम में नहीं आई। मैं कल रात से बहुत परेशान था ये सब देख के। क्यों, तुम क्यों परेशान थे? वो मुझे लगा कि आप फिर से उसके धोखे में ना आ जाएं। अगर मेरी आंखों पे सुल्तान की मोहब्बत की पट्टी बंधी होती ना, तो शायद मैं फिर से धोखा खा जाती।
लेकिन आंखों पर पट्टी भी हमेशा नहीं रहती, धोखा भी हमेशा नहीं खाया जा सकता। तुम सही कह रही हो, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। हम हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देके उस इंसान को चांस देते हैं कि वो किसी और को अपना विक्टिम बना सके। I'm happy कि तुम इस गम से निकल आई। जिंदगी भर का सर्वाइवल तो मेरे नसीब में लिखा ही है। अब मैंने सोच लिया है, सुल्तान की मोहब्बत में जितनी जिल्लत उठानी थी मैंने उठा ली। जितना सहना था मैंने सह लिया। अब मैं अपनी जिंदगी को एक मौका देना चाहती हूं। एक बार फिर से जीना चाहती हूं, खुश होना चाहती हूं। इरवा, क्या बात है, इस बात पर आइसक्रीम खाए? Yes, why not? दादू मेरा फोन दे दें। ये लो बेटा। कीक जरूर कर लिया कीजिए, सोचा करें, बिना सोचे समझे किसी की भी। जी वकील साहब, अब बताइए क्या कहते हैं आप? देखे, मैं ये कह रहा हूं कि साइबर क्राइम ने इस बात को कोई अहमियत नहीं दी है। कहा है कि ये वीडियो जाली नहीं है, रियल है। उन्होंने कहा है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कोई केस ही फाइल नहीं हुआ। जब आप उनसे राब्ता करेंगे तो वो आपको अपना जवाब दे देंगे।